अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है मज़ेदार सा मुहर्रम का स्पेशल शरबत, जो बहुत ही मज़ेदार है। ये आपको देखने से ही लग रहा होगा, कस्टर्ड शरबत बना रहे हैं हम। मज़ेदार सा शरबत बना कैसे, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दूध को उबाल लिए और थोड़े से दूध में जो नॉर्मल है इसमें 2 टेबल स्पून कस्टर्ड ऐड करेंगे, मैंगो। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना क्योंकि हमें शरबत की फॉर्म में रखना है। और इसमें मैं कुछ पिस्ते बादाम डाल दूँगी जो मैंने बारीक काटे हुए हैं। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। ठंडा हो चुका है, अब इसमें हम तो मलंगा ऐड करेंगे जिसको मैंने पहले से भिगोया हुआ था, तकरीबन आधा कप में 2 टेबल स्पून है। आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब साथ ही हम इसमें जेली भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे अपने पसंद की आप जो भी फ्लेवर बनाना चाहें बना सकते हैं। मैंने जो फ्लेवर लिया है पाइन एप्पल है, इसको जैसे मिक्स कर लेते हैं पहले कटिंग के बाद। आप चाहें तो बड़े चंक्स काट लें या छोटे, तो ये कलरफुल सा शरबत बहुत मज़ेदार और अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। और साथ ही पहले हम थोड़ी सी बर्फ़ ऐड करेंगे ताकि अच्छे से चिल हो जाए। और इसमें हम जेली ऐड कर लेंगे जल्दी से। जेली ऐड करने के साथ साथ आप चाहें तो इसमें मज़ीद थोड़ी सी आइसक्रीम भी ऐड कर सकती हैं, उससे भी इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त होगा, लेकिन ऐसे भी बहुत मज़ेदार है। तो हमने और इसमें बर्फ़ ऐड कर दी है और बहुत ही इसको ठंडा कर लिया। इसको अब सर्व करेंगे, इसको मैं आपको दिखाऊँ कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखिए मज़ेदार सा शरबत, बहुत ही मज़ेदार सा। जब आप ट्राई करेंगे तो आपको जरूर पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।